नमस्कार साथियों एंड वेरी वेरी वार्म वेलकम टू दिस वेरी एपिसोड ऑफ हेलो इग्लू वेयर वी प्रोवाइड द लर्नर सपोर्ट सर्विसेज एंड वी ट्राई टू सी दैट द इश्यूज विच यू आर रियली कन्फ्रंटिंग विथ इज टेकन केयर ऑफ। साथियों नमस्कार, और जैसा कि हम पूर्व में करते आ रहे हैं कि हम आपके प्रश्नों को भी लेते हैं और यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय द्वारा दी गई कुछ नई गतिविधियों, नए डेट्स और इस तरह की चीज़ों की हम जानकारी देते हैं, और इस जानकारी को आप तक साझा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन से डॉक्टर वीपी रूपम साहब हैं, और हम डॉक्टर साहब आपका स्वागत करते हैं। और हम आपसे ये बताना चाहते हैं अपने सारे जुड़े हुए साथियों से कि आप एक बहुत विशद अनुभव रखते हैं इग्नू दूर शिक्षा और इस तरह की प्राकल्पों पर आपकी बड़ी ज़बरदस्त पकड़ है। तो डॉक्टर साहब का हम बिना टाइम कोई किए हुए हम आपसे इस बीच हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। इग्नू स्टडी सेंटर पूर्णिया हमारे साथ है, हमारे साथ कुशल मेहता जी हैं, सोमी भान जी हैं। मैं आपके प्रश्नों को लूंगा, लेकिन इसके पहले चूंकि जुलाई 2020 की एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, हम डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कि एडमिशन जुलाई 2020 की लास्ट डेट संभवतः 31 जुलाई थी, अब आज की स्थिति क्या है और कैसे एडमिशन जुलाई 2020 को स्टूडेंट अगर कोई हमसे जुड़ा हुआ है वो करना चाहे तो कैसे कर सकता है। जी डॉक्टर रूपम, थैंक यू डॉक्टर प्रसाद, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर फ्रेंड्स हु आर कनेक्टेड विथ अस थ्रू दिस फेसबुक लाइव सेशन। हेलो इग्नू, द लास्ट डेट वॉज 31st जुलाई डॉक्टर प्रसाद, बट कीपिंग इन माइंड अ कपल ऑफ फैक्टर्स एंड वन इज द पैंडेमिक, जी, because of which many students were facing difficulty in reaching out to us, right, and then there is another factor, and that is delayed declaration of result by state boards and universities, right, state universities. So the university decided to extend the last date, and now the last date for fresh admission is 16th of August, right. So all those who are willing to join various programs of the university can apply till 16th of August on our online admission portal ignoadmission.samarth.edu.in. Right. So this is the 16th August, जैसा डॉक्टर रूपम आपसे साझा कर रहे हैं कि जो जुलाई 2020 की एडमिशन साइकिल की जो अंतिम तिथि आज की तारीख में जो विश्वविद्यालय ने तय की है वो 16 अगस्त है। तो 16 अगस्त से पहले पहले आप लोग उसमें जो डॉक्टर साहब ने अभी आपसे साझा किया उस वेबसाइट पे जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमने ये सुना कि इग्नू ODL मोड के अलावे ऑनलाइन मोड पे भी एडमिशन कर रही है। जी बिल्कुल, वो क्या चीज है, वो कैसे? हमारे 15 एकेडमिक प्रोग्राम्स अभी जी ऑनलाइन मोड में ऑफर किए जा रहे हैं। जी जी, इससे पहले के कार्यक्रम में भी हमने इस पर चर्चा की थी कि ODL मोड और ऑनलाइन मोड में क्या अंतर है। जी, तो ODL मोड में हम सामान्यतः विद्यार्थियों को एक रीजनल सेंटर, एक स्टडी सेंटर से अटैच करते हैं जहां की उनको सर्विसेज दी जाती हैं। जी, लेकिन ऑनलाइन मोड में उनका जो एडमिशन, तो ऑनलाइन दोनों ही मोड में, इसी ऑनलाइन मोड में ही होता है। जी, जी, लेकिन उनको सारी अध्ययन सामग्री ऑनलाइन मोड में मिलेगी, डिजिटल फॉर्म में ही मिलेगी, कोई प्रिंटेड मटेरियल नहीं मिलेगा। उनका असाइनमेंट सबमिशन नेसेसरीली ऑनलाइन मोड में होगा, उनको जो भी एकेडमिक सपोर्ट है वो ऑनलाइन मोड में ही मिलेगा। जी, तो हमारे 15 ऐसे प्रोग्राम हैं जो कि ऑनलाइन मोड में अभी ऑफर किए जा रहे हैं, और उनका भी एडमिशन 16 अगस्त तक हो रहा है। जी, उसके लिए लिंक जो है हमारे वेबसाइट पर है, ऑनलाइन प्रोग्राम्स का लिंक को क्लिक करके उनको ज्वाइन। हमारे साथ सैयद फिरदौस बुखारी साहब जुड़े हैं जी, और वो कहते हैं, बुखारी साहब आपको बहुत बहुत नमस्कार, गुड मॉर्निंग, और वो कहते हैं प्रोस्पेक्टस नॉट ओपनिंग आफ्टर डाउनलोडिंग सो द फाइल करप्ट, प्लीज अपलोड न्यू वन ऑन द इग्नू वेबसाइट। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं उनके लोकल सिस्टम पे समस्या है, क्योंकि हजारों डाउनलोड हमारे प्रोस्पेक्टस के रोज हो रहे हैं और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है कि आप जो आपका PDF रीडर है वो आप फ्रेश इंस्टॉल कर लें अपने सिस्टम पर, तो मुझे लगता है ये समस्या दूर हो जाएगी। जी, तो ये रही इसकी बात। एक जब एडमिशन की बात होती है तो हम
कुछ शर्तों को कहते हैं कि आपने प्लस टू की डिग्री आपके पास है, मार्कशीट आपके पास है, लेकिन ऐसा अक्सर देखा गया है कि विद्यार्थियों के पास या तो रिजल्ट लेट से डिक्लेयर हो रहे हैं, और अगर रिजल्ट लेट से डिक्लेयर हुआ है तो उनकी मार्कशीट जो है वेब बेस्ड मार्कशीट उनके पास है, जो बोर्ड से जो मार्कशीट आनी चाहिए वो मार्कशीट उन तक नहीं आई है। तो ऐसे विद्यार्थियों को एडमिशन लेने में जो असुविधा हो रही है उसके लिए आपके पास क्या प्रिस्क्रिप्शन है? जी, ये बिल्कुल सही है, और इस बार तो विशेष रूप से ये सही है कि स्टेट बोर्ड्स के रिजल्ट देर से आ रहे हैं। सीबीएसई ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है जी, लेकिन अभी शायद उनको अपना जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो लेने में अपने स्कूलों से समय लगेगा जी। तो एक जानकारी मैं साझा करना चाहता हूँ अपने सारे ऐसे विद्यार्थियों से जिन्होंने कि इस बार 10+2 सीबीएसई से पास किया है जी, कि उनका जो सर्टिफिकेट है वो डिजीलॉकर पर उपलब्ध है जी। वो डिजीलॉकर से अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करके जिसमें कि डिजीलॉकर सर्टिफाइड लिखा हुआ होता जी, है जी, जी, जी। वो अगर अपलोड कर दें जी तो कोई समस्या नहीं है, हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। बड़ी अच्छी हमारे पास भी डिजीलॉकर से वेरिफिकेशन के लिए व्यवस्था की जा रही है जी, जी, जी। तो अगर वो डिजीलॉकर सर्टिफाइड अपना सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं वेबसाइट हमारे एप्लीकेशन में जी, तो उसको हम एक्सेप्ट करेंगे जी। और ऐसे लोगों के लिए सॉरी जी, जिनका कि कॉलेज का डिग्री का अभी रिजल्ट नहीं आया है या आया है तो अभी वेबसाइट पे आया है जी, उनके उनको मैं यही सलाह दूंगा कि हमारे पोर्टल पे रजिस्टर कर लें, और जैसे ही उनका मार्कशीट उनके पास आता है या वेबसाइट पे आता है वो उसको अपलोड करें जी। हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा समय उनको दिया जाए, उनके पास जो ओरिजिनल मार्कशीट आ जाए वो अपलोड कर सकें हमारे पोर्टल पर। इससे जो इसमें कोई भी वो मौका ना छोड़े, रजिस्टर जरूर कर लें, अप्लाई जरूर कर दें। अपलोड जो है वो लास्ट बट वन स्टेज है हमारे एप्लीकेशन प्रोसेस में जी, वहां तक वो पहुंच जाएं और जैसे ही उनका रिजल्ट आता है उसको अपलोड करें जी। इसके पहले कि मैं वापस आपके मुद्दे पे आऊं, कल्याणी नायगांवकर हैं, आपका स्वागत है कल्याणी जी। आपने हमसे प्रश्न पूछा है कि इज देयर सम इशू विद इग्नू जुलाई 2020 एडमिशन पेज, आई हैव माय एनरोलमेंट नंबर बट आई एम नॉट एबल टू लॉग इन। ये कल्याण नहीं, मैं ये बताना चाहता हूँ अपने सारे स्टूडेंट्स को जी कि हमारा जो एडमिशन हो रहा है कल्याणी, यदि इफ यू लुक एट द वेबसाइट एड्रेस केयरफुली, आवर एडमिशन पोर्टल एड्रेस इज ignoadmission.samarth.edu.in, विच मीन्स दैट दिस एडमिशन इज टेकिंग प्लेस ऑन द समर्थ एजुकेशन पोर्टल, एडमिशन पोर्टल जी जी। बट वी after the last date is over and after we finalize the admission, we migrate this entire data to our website. Ji ji. That will take some time. So please do not worry if you are not able to see your registration details on our website, because that will take a little time. Okay. But as long as you have got your enrollment number, you can rest assured and you need not worry at all. You will be able to download your student ID card also. Most of the students are downloading their I card after getting their admission confirmed. So please download your I card and wait for this data to be migrated to our website. That might take about 3 weeks. Okay. Thank you very much, sir. There is one more viewer who is asking, it is not related to admission, but is it compulsory? He is Kushal Mehta. कुशल मेहता जी, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आप ये जानना चाहते हैं, इज इट कंपलसरी टू अटेंड क्लासेस एट स्टडी सेंटर वंस कॉलेजेस आर ओपन? आई थिंक डॉक्टर प्रसाद यू विल बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। कुशल जी, आई थिंक इग्नू ही एक ऐसी संस्था है जिसने कभी भी इस लॉकडाउन पीरियड में, इवन अनलॉक पीरियड 1, अनलॉक पीरियड 2 में भी हम लोगों ने आपकी काउंसलिंग क्लासेस को कभी बाधित होने, आपकी काउंसलिंग क्लासेस को कभी बाधित होने नहीं दिया। इसका अर्थ यह हुआ कि हमने कोई और तरीके से आप तक पहुंचने के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग क्लासेस का आयोजन किया, जिसकी संख्या एक खासी अच्छी संख्या है। और आज भी हमारे इग्नू फेसबुक ऑफिशियल पेज पे देखेंगे तो आज भी करीब करीब 150 से ज्यादा काउंसलिंग क्लासेस आज भी आयोजित की गई है। इसलिए हम ये कहना, पहले बात तो आपको ये सुनिश्चित करना हम चाहते हैं कि हमारी थ्योरी काउंसलिंग क्लास अटेंड करना अनिवार्यता नहीं है, दैट इज नॉट मैंडेटरी। व्हाट इज मैंडेटरी इज दैट
Your practical counseling is mandatory, which we are going to arrange, soothe the atmosphere and then the situation becomes convincing and it is more convenient for both of us, you as a student, we as a university. So that we are taking care of. But what I am trying to convey you is that we are always with the student, as far as the counseling classes are concerned, we are on different mode, and that is online counseling classes are already going on. So it is not mandatory, as you have asked, that you have to go to the study center. Thank you, Kusal, I think, for asking such a very good question. Sir, ek aur samasya aati hai, sir, jab admission ke process pe hum jaate hai, student jata hai, to wo jis study center ko chunna chahta hai, वो स्टडी सेंटर उसको दिखता नहीं है, वो रीजनल सेंटर उसको दिखता नहीं है, तो ऐसे में बहुत सारे विद्यार्थी को कुछ थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। ऐसे दिक्कतों का सामना हम कैसे करें, विद्यार्थियों के लिए क्या संदेश आपके पास? देखिए डॉक्टर प्रसाद, देर आर 31 एकेडमिक प्रोग्राम जी विच आर प्रेजेंटली बींग सपोर्टेड डायरेक्टली बाय द स्कूल ऑफ स्टडी कंसर्न। जी जी जी। So I'll take the example of, let us say, School of Gender and Development Studies. Right, sir. GDS. Right, sir. Now they are supporting their program MAWGS, Master of Arts in Women and Gender Studies, or PG Diploma in Women and Gender Studies. They are supporting it directly. Ji. Similarly, if you take the program of SOITS, that is, let us say, we have a certificate course in climate change. Right. These programs are being supported directly by the school, in which case we are not assigning any regional center or any study center to the student. Right. When the student chooses that program, okay, we show this message right on our admission portal right that this program is supported by the school and you will not be assigned any regional center or study center right, or there will be no face-to-face counseling. Okay, sir. Right? Yeah, right. Once sir, the student understands and accepts this condition, right, he or she is attached to the school directly. Okay. So such students need not worry about the fact that they are not being allotted any study center or regional center. They will be getting the required academic support directly from the school. So I think now it is clear to all of our learners, prospective learners, that if you are finding this kind of, if you are encountering this kind of issues, I think Dr. Rupam is very has very clearly talked about that. There is another associated issue. Sir. Sometimes a student may be trying to choose a program which right is not on offer in a particular study center or a particular regional right center. Right. Couple of days back, I received two phone calls from students in Bhubaneswar. Right. And they said, we want to enroll in MSc DFSM, okay, Master of Science in Food and Nutrition. Right. Those programs were not being shown on our admission portal. So then I checked with Bhubaneswar Regional Center and they informed me that for some reason, this program is not on offer in Bhubaneswar. Okay. In such cases, the students have to opt for a nearby center. Okay. That is thank the you option thank you, available. Doctor, but they can nevertheless let us know. If there is some gap, we will try to fill that gap and make that program available there if it is possible. Sir, there is one Palden Dorji, I think must be from Sikkim. Palden Dorji, we welcome you, and you have a question which is again addressed to Dr. Rupam sir. How about new admission for MPA? MPA, A, yeah. Master of Arts in Public Administration is right going on. Yeah, it's going on. It's so going on. You can apply if you have a bachelor's degree with you. You can apply. Okay. So I think and it's available at a very large number of centers okay across the country. अब दो क्वेश्चन मैं सर एग्जामिनेशन से रिलेटेड लेता हूँ। हमारे पास सुहेल लोन साहब हैं, संभवतः कश्मीर से हैं। लोन साहब आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आपने पूछना चाहा है कि व्हाट अबाउट टर्म एंड एग्जामिनेशन, इस पर थोड़ी सी सर जी देखिए हमारे वेबसाइट पर इसका नोटिफिकेशन आ चुका है दैट द यूनिवर्सिटी इज इन द प्रोसेस जी ऑफ कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन that were scheduled to be held in the month of June ji will be held in now okay in September. So but this examination will be conducted only for the final year or final semester students at the moment as per the guidelines received from MHRD and University Grants Commission. Right. So Dr. Rupam sahab ne hame bataya waise logo ko jinko fir se main dohrana cha raha hu ki June 17 pariksha ka aayojan UGC ke disha nirdesh mein 31 सितंबर से पहले हमें खत्म करनी है और उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम पहली
वीक के सितंबर से हम इम्तहान का आयोजन करने जा रहे हैं और उसमें सिर्फ जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं या फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं या जो डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं या सर्टिफिकेट प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं उनको हम एग्जामिनेशन के लिए आपका आपको हम आमंत्रित करेंगे, आप अगर आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिया है समय से पहले। जी डॉक्टर प्रसाद, यहाँ पर एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा जी, 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 जी। कि हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी इंटरमीडिएट ईयर या सेमेस्टर में है, जैसे कि किसी ने जुलाई 19 में मान लीजिए कि बैचलर डिग्री में एडमिशन लिया है और वो अभी फर्स्ट ईयर का एग्जाम देना चाहता है, या जुलाई 18 में लिया है वो सेकेंड ईयर का एग्जाम देना चाहता है, तो उनके मन में ये प्रश्न है कि हमारा प्रमोशन इस तरह से होगा कि नहीं, हमें मौका क्यों नहीं दिया जा रहा। जी, जी, तो उनके लिए एक क्लैरिफिकेशन भी हमने वेबसाइट पे डाल दी है कि आपकी परीक्षा सितंबर में ना होकर दिसंबर में भी जब होती है तो आपको कोई समय का नुकसान नहीं होगा जी, क्योंकि हम लोग साल में दो बार एग्जाम कंडक्ट करते हैं, तो उनकी परीक्षा जो इंटरमीडिएट ईयर और सेमेस्टर में है और जिन्होंने एग्जाम फॉर्म भरा है और वो एलिजिबल है एग्जाम देने के लिए, उनकी परीक्षा हम दिसंबर में करेंगे, इससे उनको कोई भी नुकसान नहीं होने जा रहा है। अगर वो मिनिमम 3 साल में अपनी डिग्री कंप्लीट करना चाहते हैं तो वो ऐसा कर पाएंगे। जी एक रजनी मुखर्जी है, रजनी मुखर्जी वी वेलकम यू, सी हैज अ क्वेश्चन दैट सी इज सेइंग दैट सर इन आवर एरिया कोविड इज गेटिंग वेरी वर्स। आई एग्री विद दैट, यस इट्स हैपनिंग, आई एम फाइनल ईयर स्टूडेंट, प्लीज रिकंसीडर एग्जामिनेशन डेट्स एंड टाइम। That is what we have actually taken care of that point also, and in our notification we have stated very clearly that for some reason, if these final year students are not in a position to appear in September for reasons of COVID or reasons of containment or transport issues, they will be able to appear in the month of December, and if they validity of their registration is coming to an end in June 2020. Right, sir. The university has been considerate in extending their validity till December. Right, so sir. They will not suffer any loss. Okay. So now back to your admission, sir. Yes, sir. What about management? It's a management program, is our flagship program. Yeah. And many learners are trying, many bureaucrats, many professionals are trying to take admission in MBA. How this MBA admission is being organized? कैसे इसमें admission होता है? जी, इस पर बताएं सर। हमारे यहाँ MBA में admission एक तो entrance test के through होता है। जी। जिन लोगों ने entrance test qualify कर लिया है, जी। उनको सिर्फ इतना करना है कि वेबसाइट पे हमारा prospectus पड़ा हुआ है, उसको download करें, जी। उसको भरें, अपना result लगाएं, अपने degree और के मतलब जो सर्टिफिकेट्स वगैरह लगाएं, अपने रिजल्ट को लगाएं और अपने रीजनल सेंटर पे इस फॉर्म को जमा करें। आपने जो टेस्ट पास किया उसका रिजल्ट भी लगाएं। जी बिल्कुल, वो आवश्यक है जी, और अपने रीजनल सेंटर पर जमा कर दें, उनका एडमिशन हो जाएगा जी। मतलब ये, इसका अर्थ ये हुआ कि एमबीए का एडमिशन अदर ऑनलाइन के फॉर्मेट पे नहीं होकर वो इसलिए है कि एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड है और एंट्रेंस एक दूसरी एजेंसी कर रही है जी। हम इसको भी ऑनलाइन करने की प्रक्रिया में हैं, शायद अगले सत्र से ये प्रोसेस भी ऑनलाइन हो जाए। यहाँ मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि जो पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं जी मैनेजमेंट के, जिनमें की एंट्रेंस टेस्ट नहीं है, वो हमारे ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर अवेलेबल हैं, और कोई भी स्टूडेंट पीजी डिप्लोमा इन मार्केटिंग मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑपरेशंस मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट प्रैक्टिस, इन 5 एरियाज में जो हमारे पीजी डिप्लोमाज हैं उनमें ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर जाके एडमिशन ले सकते हैं जी। हमने सुना लैटरल एंट्री जैसी एक व्यवस्था इग्नू के अंदर है जी, ये लैटरल एंट्री क्या है और ये किसके लिए सहायक है, किनको ये फायदा पहुंचा जी है? हमारे ऐसे कुछ प्रोग्राम्स हैं डॉक्टर प्रसाद जी, जिनमें कि अगर स्टूडेंट ने एक पीजी डिप्लोमा हमारे यहाँ से किया हुआ है जी, 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 उसको हम रिस्पेक्ट उस डिसिप्लिन के जी, मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम में सेकेंड ईयर में एडमिशन देते हैं। ये बहुत ही स्पेसिफिक केसेस हैं, तो मैं कुछ की चर्चा अभी कर देता हूँ। जी, 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 जैसे अभी हमने जनवरी 20 में एक नया प्रोग्राम शुरू किया, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। राइट, इससे पहले हमारे यहाँ पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन था जी। तो अभी ये एक व्यवस्था हुई है कि जिन लोगों ने पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन सक्सेसफुली इग्नू से, दूसरे यूनिवर्सिटी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इग्नू से जो कंप्लीट किया है उनको हम हमारे जो MAGMC प्रोग्राम है उसके सेकेंड ईयर में एडमिशन दे रहे हैं, और ये व्यवस्था हमारे ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर उपलब्ध है जी।
इसी तरह से हमारा एक प्रोग्राम है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस। इसको करने के बाद हम एमकॉम के सेकेंड ईयर में एडमिशन दे रहे हैं। उसी तरह से हमारा एक प्रोग्राम है पीजी डिप्लोमा इन काउंसलिंग इन फैमिली थेरेपी। इसको करने के बाद हम वो मास्टर्स जो प्रोग्राम है उसका मास्टर ऑफ साइंस इन काउंसलिंग फैमिली थेरेपी उसमें दे रहे हैं। हमारे यहाँ एक बैचलर बीबीए रिटेल है, बैचलर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन रिटेल। जी, जिन लोगों ने हमारे यहाँ से डिप्लोमा इन रिटेलिंग किया है उनको हम सीधा सेकेंड ईयर में एडमिशन दे रहे हैं, सेकेंड ईयर ऑफ एमकॉम, सेकेंड ईयर ऑफ बीबीए। अच्छा, ऐसे और भी कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनमें की तो ये व्यवस्था है। तो हम ये चाहेंगे कि जिन लोगों ने ये पीजी डिप्लोमा इग्नू से किए हैं वो अपना समय बचा सकते हैं, पैसे बचा सकते हैं और एक मास्टर्स डिग्री अक्वायर कर सकते हैं हमारे यहाँ। थैंक यू डॉक्टर साहब। एक हमसे जुड़े हैं साक्षी कुमारी। साक्षी जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। साक्षी जी ने कहा है, सर मैंने री रजिस्ट्रेशन कर लिया बट वेबसाइट पर अपडेट नहीं हुआ अभी तक। यही ये मैं इस प्रश्न का उत्तर पहले दे चुका हूँ फ्रेश एडमिशन के संदर्भ में। जी, जी, जी। साक्षी, आपका री रजिस्ट्रेशन यदि हो गया है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे वेबसाइट पर ये करीब 3 हफ्ते के बाद अपलोड किया जाएगा। जब ये सारा री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस खत्म हो जाएगा हम पूरा डेटा माइग्रेट करेंगे। जी, जी, इसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है। जी, थैंक यू सर। एंड अब हम एडमिशन से हट करके अगर री रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। जी, क्योंकि यहाँ एडमिशन अलग है। आपने एक एक चैनल में आपने एक इस तरह के एपिसोड में आपने बताया था कि एडमिशन क्या है, री एडमिशन क्या है और री रजिस्ट्रेशन क्या जी, है जी, अब हम री रजिस्ट्रेशन के लास्ट डेट के बारे में आपसे जानकारी चाहते हैं जी, और री रजिस्ट्रेशन करते हुए कुछ कुछ दिक्कतें आ रही है स्टूडेंट को जी, अगर वो थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में जाना चाहता है या फोर्थ सेमेस्टर में जाना चाहता है तो जब रजिस्ट्रेशन करने के लिए वो जाता है तो उसको जो साइट है वो थर्ड के लिए उसको अलाउ करता है। ये कुछ ऐसी समस्याएं आई हैं, मैं इनके बारे में चर्चा करूंगा। पहले तो ये बता दूं कि रजिस्ट्रेशन की भी लास्ट डेट 31 जुलाई थी, लेकिन हमारे पास बहुत सारे ऐसे मेल्स आए कि हमें कठिनाई हो रही है और थोड़ा समय हमें दिया जाए, तो विश्वविद्यालय ने इसको इस पर विचार करते हुए अंतिम तिथि 16 अगस्त तक बढ़ा दी है। री रजिस्ट्रेशन हमारे उन छात्रों के लिए है जो हमारे बैचलर मास्टर या कुछ पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम जिसमें की री रजिस्ट्रेशन है जी, उनके लिए ये सुविधा है और ये ऑनलाइन है। ignu.samarth.edu.in पर यह री रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है। अब आपने एक समस्या को चिन्हित किया, चर्चा की कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं बीसीए एमसीए के जिनको कि अगर फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन लेना है तो उनको अपने पोर्टल पे फोर्थ सेमेस्टर दिख रहा है जी। ये कई बार ऐसा होता है डॉक्टर प्रसाद, अभी हम लोग एक ट्रांजिशन के फेज में हैं तो कुछ डेटा अगर सिंक्रोनाइज नहीं हुआ है तो उसका एक बहुत ही सरल इलाज है जी। ऐसे कोई विद्यार्थी जिनको ये प्रॉब्लम आ रही हो अपने अकाउंट से लॉग आउट करें जी, और एक बार फिर से लॉग इन करें। अच्छा, वो अपने आप सिंक हो जाएगा आपका डेटा, आपको जिस भी सेमेस्टर में एडमिशन मिलना चाहिए उसमें आपका री रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा जी। इस बार हमने कुछ ऐसी व्यवस्था की है इस पोर्टल पे कि जो लोग री रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हैं उन्हीं को वो फॉर्म दिखे जी, गलती से कोई री रजिस्ट्रेशन ना भर दे जी। तो इसके लिए ये एक सेफ्टी मेजर है, लेकिन इसमें कई बार डेटा सिंक ना होने के कारण ये समस्या आती है। तो बस सिंपल थिंग इज दैट यू लॉग आउट ऑफ योर अकाउंट एंड लॉग इन अगेन एंड यू विल सी दैट योर डेटा हैज बीन अपडेटेड। 30 सेकंड में सर ये सिंक की क्या प्रोसेस है, मतलब इसका क्या सिंकिंग? दरअसल दो सर्वर्स के बीच में डेटा है तो वो डेटा दीज टू सर्वर्स टॉक टू ईच अदर। अच्छा, जो हमारा पिछले 10 साल का एडमिशन डेटा है वो एक सर्वर पर है और उसको हम लगातार फेच करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं। मयंक प्रजापति जी हमसे जुड़े हैं। मयंक जी, आपका स्वागत है और नमस्कार आपको। आपने पूछा है, रेस्पेक्टेड सर, आई गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, आई एम बीकॉम सेकेंड ईयर स्टूडेंट। मैंने अपने असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट कर दिया है बट अभी तक कंफर्म मेल नहीं आई है, क्या मेरा असाइनमेंट सबमिट हो गया है? मयंक जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा और लोगों के भी इस तरह के प्रश्न होंगे। द मोमेंट यू आर सबमिटिंग योर असाइनमेंट, हैंड रिटन स्कैन असाइनमेंट जैसे ही आप सबमिट करते हैं आपके जो मेल बॉक्स के सेंट आइटम में वो रिफ्लेक्ट होता है, अगर वो बाउंस बैक नहीं किया है तो वही आपकी रिसीट है। और अभी चूंकि हमारा थोड़ा सा प्रोसेस इसमें एक नई विधा है, पहले लोग हार्ड कॉपी लेकर के जांच कर रहे थे, अब उनको ऑनलाइन जांचना पड़ रहा है, तो थोड़ी सी हम उसके स्पेस में
पेस मिला करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके असाइनमेंट जमा हो गए हैं वो हमारी समस्या है, विश्वविद्यालय उसका देखरेख कर रही है, आपको उसके लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं है। जी सर, एमबीए प्रोग्राम के रीरजिस्ट्रेशन में भी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है कि एमबीए का स्टूडेंट, अगर एमबीए जो हमसे कर रहे हैं अगर वो स्टूडेंट भी अपने रीरजिस्ट्रेशन के लिए जाना चाहता है तो उसे भी कोई दिक्कत का सामना, किस तरह के दिक्कत का सामना अभी हो रहा है? बिल्कुल मैं बता देता हूँ जी। देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ डिटेल में जाना चाहूंगा, शायद हमारे विद्यार्थी भी इसको समझ पाएंगे कि जैसे एमबीए प्रोग्राम का एक मिनिमम ड्यूरेशन है अभी 2 साल का है जी, और ये 5 साल का मैक्सिमम ड्यूरेशन है जी। तो अब अगर हम इसको एमसीए से कंपेयर करें तो एमसीए में 6 सेमेस्टर्स हैं, हर सेमेस्टर में नंबर ऑफ कोर्सेस और नंबर ऑफ क्रेडिट्स फिक्स्ड हैं जी। तो इस प्रोसेस में देर आर 6 टच पॉइंट्स इन एमसीए प्रोग्राम, एक बार फ्रेश एडमिशन और 5 बार री रजिस्ट्रेशन। एमबीए प्रोग्राम में ऐसा कुछ नहीं है बिकॉज दिस प्रोग्राम इज हाईली फ्लेक्सिबल एंड अ स्टूडेंट कैन चूज 1 कोर्स, 2 courses, 3 courses, 4 courses, 5 courses, and can do this in 7 instances, 8 instances, 9 instances. Right, sir. Which means that semester is not something that is very well defined in our MBA program. Right, sir. So what we are doing now is when we have migrated to our Samarth Education Portal, we are allowing everybody to register in the second semester. I would like to tell my friends that please do not worry about the semester number. Please see if you are getting the courses that you want to choose. That is very more right. important. Very right. Right? Very right. And this time we have also added certain features that if your registration for a particular course is valid, you will not be allowed to register for that course, because very often it so happens that we are not aware that our registration in a course is valid and we register for it again. There is another very important issue that I would like to mention here, sir, and that is about registration is MS 100. Right. Now if we look at the prospectus, that is Handbook of Management Program, right, sir, the condition for registration in MS 100 is very very clearly defined. Right. MS 1 to MS 9 and MS 95. Gee. So one has to register in these courses. I mean, registration in these courses is a prerequisite for registration in MS 100. Right. So many students tell us, right to us, that look, we are not getting MS 100. My suggestion to them would be to take a look at their registration data, in which courses they have registered, and if they have not registered for some of these courses, I would suggest that they choose those courses first. They can always take MS 100 in the subsequent semester, that is January 2021. They will not suffer any loss of time or loss of opportunity because of this. Sir, this is very important. Thank you very much, sir. There is one student, Vishal Vats. विशाल वत्स जी, आपका स्वागत है, नमस्कार। आपने पूछना चाहा है, डू वी नीड टू सबमिट अवर डॉक्यूमेंट टू रीजनल सेंटर फिजिकली? डॉक्यूमेंट्स का मतलब, अगर आपका डॉक्यूमेंट असाइनमेंट है तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो अगर आपने ऑनलाइन आपने अगर सबमिट कर दिया है तो उसको जरूर प्रिजर्व करके रखिए। अगर कल किन्हीं कारणों से ऐसी कोई जरूरत पड़ गई तो हम आपसे वो मांग लेंगे, लेकिन उसे रीजनल सेंटर में सबमिट करना जाना अनिवार्य नहीं है। एक आफ्ताब आलम जुड़े हैं सर, यहाँ पर शायद इनका प्रश्न हो सकता है एडमिशन से भी रिलेटेड। हाँ, उसके बारे में क्या कहना? हाँ, एडमिशन के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने एक बार जब अपना फॉर्म ऑनलाइन सबमिट कर दिया तो आपको कहीं कोई डॉक्यूमेंट जमा करने की जरूरत नहीं है जी। यहाँ पर एक चीज मैं एडमिशन से रिलेटेड और जोड़ दूं कि हमारे 100 प्रोग्राम ऐसे हैं अभी जो ऑफर में हैं, इनमें कि हमारे जो SC ST कैटेगरी के विद्यार्थी हैं जी, एप्लीकेंट्स हैं जी, वो इसमें फी एग्जेम्पशन के साथ एडमिशन ले सकते हैं जी। तो फी एग्जेम्पशन का मतलब ये है कि उनको कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी, जीरो फीस। हाँ, जीरो फीस जी। उनके उनके उनकी रजिस्ट्रेशन फी भी नहीं लगती है और उनका प्रोग्राम फी मतलब भी नहीं लगता, पैसा नहीं देना पड़ता। लेकिन इसमें 2-3 चीजें ध्यान में रखने की हैं जी। हमारे कई ऐसे विद्यार्थी गलतियां करते हैं जी। एक तो मैं ये एम्फेसाइज करना चाहूंगा कि ऐसे सारे स्टूडेंट्स के लिए कि फी एग्जेम्पशन की सुविधा आप एक ही प्रोग्राम में ले सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये व्यवस्था है कि एक बैचलर डिग्री प्रोग्राम के साथ या एक डिप्लोमा के साथ आप एक सर्टिफिकेट भी कर सकते हैं जी। लेकिन आप उसमें दूसरे प्रोग्राम में एग्जेम्पशन लेने का प्रयास ना करें जी।
पहली बात। दूसरी बात कि इसमें दो तीन शर्तें हैं जी कि एप्लीकेंट मस्ट बी अनएम्प्लॉयड, क्योंकि ये एम्प्लॉयड लोगों के लिए ये अभी नहीं है जी। दे शुड नॉट बी गेटिंग एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड फ्रॉम एनी अदर सोर्स जी, एंड दे शुड गिव देयर कंसेंट फॉर अवेलिंग दिस एग्जेम्पशन जी। अगर ये तीन शर्तें मीट हो जाती हैं तो ऐसे विद्यार्थी बिना किसी फीस के अपना फॉर्म जमा कर पाएंगे। ये तो बड़ी अच्छी सुविधा जी है। और ये सुविधा हमने इस बार री रजिस्ट्रेशन में भी कर दी है डॉक्टर प्रसाद, जो कि पहले ऑफलाइन होती थी और विद्यार्थियों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था जी, कि ऐसे विद्यार्थी जिनका एडमिशन बिना किसी फीस के हुआ है, यानी कि एडमिशन के टाइम में इनको फी एग्जेम्पशन मिला है जी, वो री रजिस्ट्रेशन के टाइम में एम्प्लॉयड नहीं है, स्कॉलरशिप नहीं ले रहे हैं जी, और ये एग्जेम्पशन की सुविधा लेना चाहते हैं, तो वो अपना री रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी हमारे ऑनलाइन पोर्टल पर बिना किसी फीस के जमा कर सकते हैं। और ऐसे बड़ी संख्या में लोगों ने इस स्कीम का लाभ भी उठाया है। सर आपने हालांकि इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है, लेकिन फिर भी मैं इस प्रश्न को आपसे एक बार दोबारा पूछता हूं। आफताब आलम हमसे, आफताब खान साहब जुड़े हैं, वो हमसे पूछना चाहते हैं, सर मेरा रजिस्ट्रेशन दिसंबर 19 में खत्म हो चुका है, बट अप्रैल में MS 8 फी फिल किया था, अब क्या होगा? मतलब दिसंबर में उनका मतलब ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स खत्म हो गया जी, लेकिन उन्होंने जून में इम्तिहान देने के लिए अप्रैल में फॉर्म भर दिया था। अप्रैल, अच्छा, उन्होंने मतलब परीक्षा का फॉर्म भर दिया जी, था। जी, जी, नहीं तो आप परीक्षा ना दें, मेरी यही सलाह होगी, क्योंकि आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा और मोस्ट लाइकली आपको एग्जामिनेशन पोर्टल पर ये ऑप्शन ही नहीं मिलेगा MS 8 सेलेक्ट करने का जी। तो आपको पहले अभी आप MS 8 के लिए रजिस्टर कर ले, 16 अगस्त तक समय है, और उसके बाद आप अभी जुलाई सेशन में अगर आप रजिस्टर करते हैं तो दिसंबर में आप इसकी परीक्षा दे सकते हैं, विच इज नॉट वेरी फार अवे। अच्छा सर, दो तीन इश्यूज और हमारे पास है, चूंकि कार्यक्रम का वक्त अपने अंतिम पड़ाव पे है जी, कि फी अपडेट इशू भी एक इशू है। हाँ, कि लोग ये दरअसल डॉक्टर प्रसाद आप जानते हैं कि हम लोग आजकल तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और भी ज्यादा बढ़ गए हैं जी, जी। इस कोविड सिनारियो में तो कई बार ऐसा होता है कि जब मैं फॉर्म भर रहा हूं तो मेरे एंड पे हो सकता है कि इंटरनेट डिसरप्ट हो जाए उस समय जी, या कोई और मेरे सिस्टम में कोई समस्या आ जाए, तो उस वजह से पेमेंट अपडेट नहीं होती है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था है जी, कि वो सर्वर्स में इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन है कि वो पेमेंट जो है पेमेंट गेटवे से अपडेट कर दिया जाता जी, है जी, जी, जी। लेकिन अगर कोई ऐसी समस्या लंबे समय तक परसिस्ट कर रही हो तो आप हमें लिखें, वो तुरंत अपडेट हो जाएगा। और एक आश्वासन मैं और भी देना चाहता हूं कि अभी हम लोग मिड साइकिल में एक बार पूरे पोर्टल पर जितने एप्लीकेशंस जमा हुए हैं उनका पेमेंट अपडेट एक बार फिर से करेंगे पेमेंट गेटवे के साथ कोऑर्डिनेट करके जी। तो ये सारे पेमेंट जो पेंडिंग है किसी न किसी कारण से वो अपडेट हो जाएंगे जी। कई विद्यार्थियों को पेमेंट करने में ये दिक्कत आती है कि या तो उनका क्रेडिट कार्ड एक्सपायर हो गया होता है जी, या डेबिट कार्ड में कहीं कोई इशू होता है। जो हम अपने कार्यक्रम का समापन करेंगे कि स्टूडेंट ने ऑनलाइन एक फॉर्म भरने के समय उन्होंने ऑनलाइन फॉर्म किया, लेकिन इस बीच क्या हुआ जी कि उनके फी अपडेट होकर के नहीं आए जी, तो चिंता होती है कि क्या दोबारा फिर से हम शुरू नहीं करें? मैं ये सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। यदि आपकी पेमेंट एक बार डिडक्ट हो गई है जी तो आप प्रतीक्षा करें, यदि ये 48 से 72 घंटों में ये अपडेट नहीं होता है जी तो आप हमें सूचित करें जी, हम उसको चेक करेंगे जी। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि पेमेंट डिडक्ट हो गई हमारे यहाँ नहीं पहुंची जी, तो एक ऑटो रिफंड का प्रोसेस है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ एक शेड्यूलर लगा हुआ है कि यदि पेमेंट करने के एक विद इन ए सर्टेन टाइम फ्रेम वो अपडेट नहीं होता है तो वो ऑटो रिफंड के लिए ट्रिगर हो जाता है जी। मतलब वो पैसा स्टूडेंट के अकाउंट में वापस चला जाता है ताकि वो फ्रेश अटेम्प्ट कर सके जी। अभी हम लोगों ने ये कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है कि कम से कम एक घंटे तक तो वो पेमेंट अलाउ ही नहीं करता है, सेकेंड पेमेंट। तो इन सारी स्थितियों में मैं ये कहूंगा कि आप वेट करें, और नहीं अपडेट होता है तो आप हमें सूचित करें, हम लोग उसको चेक करेंगे और आपको स्टेटस बताएंगे। ऐसी क्वेरीज हम लोग डे टू डे बेसिस पे लगातार हैंडल करते रहते हैं। एक केविन रेगो, संभवतः नॉर्थ ईस्ट से हमसे जुड़े हैं। केविन रेगो साहब, आपका हम स्वागत करते हैं, वी वेलकम यू ऑन आवर प्लेटफॉर्म, एंड ये जानना चाहते हैं, आई एम जस्ट रीडिंग हिज वर्बेटिम व्हाट ही हैज रिटन, व्हाट अबाउट द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स
कॉमा हु डज नॉट वॉन्ट टू कंटिन्यू द नेक्स्ट ईयर एंड ऑल्सो कैनॉट गिव एग्जाम ऑन डिसम्बर इज नॉट देयर एनी वे टू गेट ग्रेट मार्क्स फॉर दोज नो सी I want to give a bit of clarification here. Right. I have joined, let us say, a bachelor degree program last year. Mm-hmm. I'm not in a position to register for second year now or appear in the first year examination now. Mm-hmm. I have that freedom with me. Mm-hmm. I can actually register for second year after a gap of 1 year because mm-hmm. I have a maximum of 6 years to complete the bachelor degree program. Right, sir. Right. Ji. So, I don't think one needs to drop out at this stage mm-hmm. because in the open university system, this is a very normal phenomenon mm-hmm. that for various reasons, people are not able to pursue their studies continuously. They take a break, then resume their studies. Okay. So, Kevin, you can actually register for the second year, maybe next year, mm-hmm. next available opportunity mm-hmm. and continue your studies. Sir. If you leave it, I'm coming to that situation. Yes, sir. If you leave it, then no certificate will be issued to you. Okay. No certificate will be issued. Sir, there is one student. She is Khushbu Kumari. Mm-hmm. She says that I could like to know about the admission for PhD program in rural development. Mm-hmm. Please guide me. Khushbu, I will not be in a position to give you correct information at this moment because research programs are actually coordinated by the research unit and whether seats are vacant in the discipline of rural development is something that only the research unit can tell you. Look up their number on our website, talk to them or send them a mail. They will surely respond. Ji. So, unka email hai researchunit@ignu.ac.in. Khushbu, what you do is that you please just send a mail to that mail. I think it will be responded immediately to you. सर हालांकि ये क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूं बट व्हाट विल बी द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन व्हिच यू आर गोइंग टू कंडक्ट इन द सितंबर 2009 वेल इट विल नॉट बी एनी डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल वे ऑफ आवर एग्जामिनेशन ओके द क्वेश्चंस विल बी द सेम ओके सो यू गॉट अ आंसर फॉर दैट वी आर नॉट गोइंग टू वी हैव नॉट चेंज एनी पैटर्न एज इट हैज बीन सेड इन आवर अर्लियर एपिसोड ऑल्सो दैट we are going to conduct the examination with pen and paper that means it is offline examination and we have to appear in this but sir aap is mukam pe main is karyakram ko khatam karne ki aapse ijazat chahta hu aap is it was a pleasure talking to you hello ignu mein aapne apna samay diya aur aapne hamara gyan arjan kiya और लोगों के हमारे लर्नर्स के बहुत सारे इम्पोर्टेंट इश्यूज को आपने टच किया मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और पुनः आपसे ये वादा आपसे लेना चाहता हूं कि हम फिर आपको जब बुलाएं तो आप इस तरह के कार्यक्रम इट वुड बी अ प्लेजर डॉक्टर प्रसाद एनी टाइम एनी नंबर ऑफ टाइम्स टिल सच टाइम वी आर गोइंग टू मीट यू अगेन नेक्स्ट वीक टेक केयर ऑफ योर सेल्फ मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स बी सेफ टेक केयर नमस्कार नमस्कार